नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर बिगनर्स। जो भी बिल्कुल नए सीख रहे हैं बांसुरी, उनके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि बहुत से नए लोग जो होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्या म्यूज़िक ये गॉड गिफ्ट है, या म्यूज़िक किस एज में सीखना चाहिए। तो गॉड गिफ्ट, तो देखिए क्या होता है, जब हम बचपन में हमारे घर में संगीत का माहौल होगा ना, तो हमें म्यूज़िक सेंस आ जाता है, वही गॉड गिफ्ट है। बचपन में किसी के घर में गाना खूब चल रहा हो, बचपन से ध्वनि जा रही हो म्यूज़िक की, तो वो एक उसको फ़ायदा करती है, स्वर ज्ञान हो जाता है, जल्दी गाना बजाने में आसानी होती है, फ्रेजेज आ जाते हैं नए नए। और किसी के वहाँ कुछ म्यूज़िक का वातावरण नहीं हो, तो वो भी सीख सकता है इसको, क्योंकि ये कर्म विद्या है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी, किसी को 10 दिन पहले आ सकती है, किसी को 10 दिन बाद आ सकती है, पर ये कुछ नहीं है कि गॉड गिफ्ट वहाँ से वो आ रहा है, भगवान ने इसको वरदान दिया। सब आपको जब जीवन दिया है तो आपको वरदान ही मिला है, आप हर कोई सीख सकता है। लोग कहते हैं बांसुरी सबसे कठिन है क्या? नहीं, देखिए कठिन बांसुरी नहीं है, कठिन है आज के व्यस्त जीवन से समय निकालना। जिसने भी आधा घंटा बांसुरी को दे दिया शुरू के 3-4 महीने, और निरंतर रहा वो प्रैक्टिस में, तो वो सीखेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कि आप 10-10 घंटे दे रहे हैं, वो तो फिर प्रोफेशन बनेंगे, तभी 10 घंटे देंगे तो उसमें कोई प्रोफेशन हो पाएगा आपका। आप सोचिए कि मैं आधा घंटा पहले आप देने की प्रयास करें, प्रोफेशन होगा वो बात की बात है, पहले तो आप अपने लिए करें। आधा घंटा भी देना विदाउट टचिंग फोन, व्हाट्सअप बिना देखे, बहुत टफ है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, बीच में कॉल आ जाता है, तो ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। हाफ एन आवर बांसुरी को देना पड़ेगा, तो कोई भी सीख सकता है। उम्र का इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे वहाँ कोई लर्नर है 70 ईयर्स के भी, बहुत अच्छा बजाने। प्रैक्टिस, आपको टाइम देना। हाँ, बचपन में कोई चीज़ सीखी जाए तो वो इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि उसमें समय होता है बहुत हमारे पास। बचपन में सब टेंशन माँ बाप ने ली होती है। अब आप 40-50 साल की उम्र सीखेंगे, क्या पता आपको क्या क्या आपको ऑफिस में टाइम देना होगा, फैमिली को टाइम देना होगा, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बचपन में क्या होता है कि फ्री माइंड होता है, तो आप ईजिली वो चीज़ें सीख सकते हैं और अच्छा टाइम मिल जाता है आपको। अब मैं भी अपनी यात्रा बता दूँ, तो मैंने भी शायद आफ्टर 12th इसको एज अ हॉबी स्टार्ट किया। म्यूज़िक मेरे घर में था, वैसे नॉर्मल म्यूज़िक, जैसे कभी भजन बजा लिए, कुछ ऐसा म्यूज़िक नहीं कि हार्डकोर म्यूज़िक है। हाँ, मतलब म्यूज़िक मैं लिखता हूँ और ये सब चीज़ों में, मतलब मेरा आर्ट के फील्ड में मन था, तो ये चीज़ मैं ज़्यादा सुनता था, गाने वाने काफ़ी सुनता था। तो एज तो इसमें से कोई भी मैटर नहीं करेगी, मैटर ये करेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आधा घंटा निकालना सीखिए, बांसुरी बिल्कुल आसान है, और रोज़ निकालिए। जब आप मोहब्बत करने लगेंगे इससे, जब आपको मज़ा आने लगेगा, तो आप समय नहीं देखेंगे। एक गुरुजी कहते थे कि अगर आप समय देखते हैं तो रियाज मत करो, और रियाज करते हो तो समय मत देखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिए। तो आधा घंटे का पहले कम से कम निकालिए, और उसको आप कितने समय तक आप उसको रख सकते हैं मेंटेन, वो बहुत ज़रूरी है। तो एज तो यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं करता, कोई भी नई चीज़, कोई भी सही चीज़ सीखने के लिए कभी भी कोई टाइम राइट नहीं होता, हर टाइम राइट होता है। तो उसके लिए आप मत हो रही, बचपन में कर लिए तो अच्छी बात है। फिर क्या है, कन्फ्यूज़न क्या है कि होल्डिंग में लोग गलती करते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत टाइटली करते हैं नए वाले। वो होता है, वो जनरली जब आप बांसुरी नई नई पकड़ेंगे तो आप ऐसे टाइट ही बंद करोगे, नहीं पर टाइट नहीं करनी, कोशिश करने की ज़्यादा मैं वेट यहाँ देता हूँ इस थंब से, इस थंब का बड़ा रोल है, मैं यहाँ पर वेट डाल दूँगा, लेकिन मेरी बांसुरी मैंने सिर्फ अपने हाथों में ही वो करी है, ये बैलेंस की है। वो एक दिन में नहीं होगा, आप सोचे पहले दिन में करेंगे, नहीं, पहले आप यहाँ वेट देना सीखें। ये देखिए आला हैंड फ्री हो गया मेरा, मैंने यहाँ वेट दिया, मेरा चिन में वेट है, तो मेरी बांसुरी हिलेगी नहीं। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, मेरे बहुत पोस्चर देखिए, ऐसे बैठ जाते हैं लोग, नहीं देखिए मैं, सुर में कितना चेंज आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो पहले तो आपको रखना, टाइट मत रखिएगा, हल्के से आराम से रखिए, वो एक दिन में नहीं होगा, कॉन्शियसली एफर्ट डालिए, वो आ जाएगा आपको। फिर क्या करना है आपने, बिल्कुल टाइट बंद मत कीजिए, है ना, उसको बिल्कुल आराम से बंद कीजिए। ये देखिए मैंने हल्के से किया है, जितना हल्के रखेंगे बांसुरी में हाथ, उतना बाद में तेज बजा पाएंगे, तो आपके हाथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो पहले तो टाइट मत रखिए ये। दूसरा क्या करते हैं लोग गलती, जब बांसुरी बजाते हैं तो हाथ को या तो ऐसे कर देंगे, या बांसुरी ऐसे रख लेंगे, या ऐसे भी रख लेते हैं कुछ लोग। आप ऐसे रखिए जो बेस्ट कंफर्टेबल आपको, जहाँ पर आपकी बॉडी कह रही है यहाँ पर मैं ईजो, कोई ज़रूरी नहीं मेरी तरह आप कर लें, आप ऐसे रखें जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल रखना है आपको, ऐसे थोड़ा गला ये रखिए, ये सबसे कंफर्टेबल मेरे हिसाब से सबको आएगा।
ठीक है, पहले पहले आपके हाथ स्टिफ होंगे, वो होंगे, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे हाथ में आपका होल्ड आ जाएगा बांसुरी के, वो स्टिफनेस चले जाएगी। तो ये तो हो गया होल्डिंग के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब फिंगर चलाते हैं आप तो बहुत ऊपर मत ले जाइए, लोग बहुत ऊपर ले जाते हैं, नहीं बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। अगर नीचे करेंगे तो वो देखिए आवाज़ आपकी बदल जाएगी। देखिए अगर मैं बहुत नीचे करूँगा, ठीक है, तो बहुत नीचे नहीं, आपको सोचिए इतना रखेंगे 50%, बहुत ऊपर नहीं रखेंगे 50%, क्योंकि बहुत नीचे भी रखेंगे तो बाद में आपको इसके जो ऑर्नामेंटेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप ये रखेंगे इतना कर में, ये देखिए बहुत ऊपर मत रखना, बहुत ऊपर रखेंगे टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगी बाद में, तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। ब्लोइंग में, ब्लोइंग में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये चेंज करते हैं, ये करने की आदत होती है, ये पहले ये ऐसे मत देखिए। जब आप रोज़, मैंने जो प्रैक्टिस आपने पहली अगर वीडियो देखेंगे उसको, ये अगर आपने साथ लिया तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये सब मत कीजिएगा, वो जितना आप करेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा, उसमें कन्फ्यूज होंगे। एक बार रख लिया कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने अगर यहाँ मेहनत की होगी तो आपको फिर यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लोग यहाँ पर पार्ट स्किप कर लेते हैं तो दिक्कत आती है वो, क्योंकि ये तो अच्छा है नहीं, तो आपको ये फिक्स कर लेना पहले आप, फिर हर बार। और कुछ लोग क्या करते हैं, बजाते बजाते फ्लूट को अंदर कर लेते हैं, ये अंदर चली जाती है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, अपना भी चली जाएगी ऐसे अंदर। नए नए लड़नों के साथ होता है, फिर आवाज़ क्या होती है, कम हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो आपको ये कॉन्शियस रखना है कि मेरी बांसुरी ये ऐसे रहे, ना तो बहुत अंदर हो ना बहुत बाहर हो, ये रहे, मुझे इतना पार्ट तो दिखे बांसुरी का। दिखे आपको सेमी दिख रहा होगा आधा, ये भी गलत है, ये भी अभी गलत है, ये थोड़ा रखें शुरू में। तो ये आपको अंदर नहीं मोड़ना है, बहुत बाहर बाहर नहीं रखना है, तब भी आवाज़ चले जाती है, गायब हो जाती है। और लास्ट जो प्रॉब्लम आती है पा में, मैं देखता हूँ पा में लोग कहते हैं सर पानी आ रहा पानी आ रहा। देखिए पा के लिए दो बड़ी ट्रिक हैं, एक तो बहुत छोटी उंगली वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, और जब हम बड़ी फ्रूट लेते हैं तो दिक्कत होती है। देखिए धा पहले आप साधो, पहले धा को आप खुद प्रैक्टिस करो कि आपकी आवाज़ उसमें बढ़िया आए ऐसे। पाना बजने के बहुत से कारण हैं, एक तो आपकी फूक इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पा रही है, पहले तो आपकी फूक यहाँ पर बहुत कमज़ोर है, यहाँ जाएगी नहीं, पहले तो यहीं पर गलती हो जाएगी। पहले तो अपने वजन लाना है फूक में, वो कैसे होगा, लॉन्ग नोट से। अब आपको क्या करना है, जब पा बजाएंगे, जब आपकी यहाँ पर, तो पा में आपका कभी हाथ या तो ऐसे हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर भी गलती होगी, कभी कभी ये हिल जाएगा, तो ये हिल जाएगा तो ये आवाज़ आएगी, ये पक्का होगा। तो ये देखना है कि हिले ना, ये हिलता ही है, इसके साथ जाता ही है। तो पहले आपको क्या प्रैक्टिस करनी, धा के बाद आपको खूब प्रैक्टिस करनी है धापा धापा की। अब क्या होगा, पहले पहले आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी, आप ऐसे बजाओ चले गए। किसी की ये मसल जो होती है बहुत टाइट होती है, वो फिर फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा देखो गैप होता है, ट्यून फ्लूट में ज़रूर हो गया, अच्छी फ्लूट में गैप होगा, नहीं तो पानी आएगा। तो ये धापा धापा आवाज़ आए ना आए, अब ये पक्का लीक होगा, ठीक है, पर इतना पहले धा आपका होना चाहिए तभी पा में जाए, धा हर बार आना चाहिए, जब भी आपने ब्लो करा धा आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है बात लास्ट में कि प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, बहुत ज़्यादा दिन से नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक बताता हूँ, ये उंगली की वजह से होता जाता है, हिल जाती है। तो आप यहाँ एक रबर बैंड डालना, ये रबर बैंड यहाँ पर आप रख देना कोने में, यहाँ से आप जैसे ये है ना ये स्ट्रिप, ऐसी सोचो रबर बैंड यहाँ तक डाल देना है, तो आप ये सोचो आपको पता चल जाएगा इसके इधर नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा टाइप की हो जाएगी, यहाँ पर जब रबर बैंड होगा तो आपको ये पता चले यहाँ जाऊँगा तो लीक हो जाएगा, तो इतना आपने रखना है टाइट, है ना, बाद में इसको दबाना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर रबर बैंड पता एहसास हो जाएगा रबर बैंड है, इससे आगे नहीं जाना है। तो पा के प्रॉब्लम बहुत होती है, सबको ही होती है, क्योंकि जल्दीबाजी करते हैं। अगर आपने अपनी फ्रूट क्या वजन बढ़ा लिया, आवाज़ बढ़ा लिया, तो आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और प्रैक्टिस करना आधा घंटा नहीं करेंगे तो आपकी बांसुरी की फूक जो होगी कभी अच्छी होगी नहीं, रोज़ आधा घंटा नहीं देंगे तो कभी बांसुरी में आप, क्योंकि ऑटोमेटेड नहीं है, पियानो नहीं है, बनी बनी आवाज़ नहीं, आप ही हो, तो आप ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये ज़रूर करिए सबको। आप प्रॉब्लम आती है, हमें भी आई थी, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया, और मुझे लगता है ये इसको आप फोकस करो, बस प्रैक्टिस को आप फोकस करो, कोई भी बांसुरी सीख सकता है, और इसका आनंद उठाने के लिए 6 महीना और 3 महीना कम से कम लगातार इसको दो, उसके बाद फिर तो आपको मज़ा आएगा, फिर आप खोजोगे इसको, ठीक है। तो आप जो प्रैक्टिस करिए, मेरे स्कूल की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, धन्यवाद।